देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आईआईटी मेन और नीट के लिए आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक एक पैराबोलिक ब्रिज है। अच्छा आप ये बताइए, जनरली ओवर ब्रिज कैसे होते हैं? पैराबोलिक होते हैं। तो ये पैराबोलिक ब्रिज है और इस ब्रिज के या ओवर ब्रिज पर भी स्पीड से कोई कार जा रही है, कोई ट्रक जा रहा है, ठीक है, या कोई बस जा रहा है भी स्पीड से। मास दिया हुआ है m, d दिया हुआ है ब्रिज की लंबाई, h दिया हुआ है ब्रिज का मैक्सिमम हाइट, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको सारे डिटेल्स दे रखे हैं और आपको पूछ रहा है कि टॉप फ्लोर पर बताओ ब्रिज कितना फोर्स लगाएगा, सॉरी टॉप पोजीशन पर बताओ ब्रिज ट्रक को कितना फोर्स लगाएगा, d बाई फोर पर बताओ कितना फोर्स लगाएगा। फॉर्चुनेटली आपका एग्जाम पैराबोलिक दे देगा, अगर कोई घबराइए नहीं, अगर ये पैराबोला नहीं देगा तो कोई भी कर देगा भाई साहब। हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, पहले वो कर्व का मैथमेटिक्स इक्वेशन बनाएंगे, आप जानते होंगे बहुत सिंपल से इक्वेशन बना सकते हैं, और इस फॉर्मूला में रख देंगे डबल डेरिवेटिव, ये सिंगल डेरिवेटिव है स्क्वायर पर पावर 3/2, 1 प्लस सिंगल डेरिवेटिव है स्क्वायर पर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डबल डेरिवेटिव। इसमें रेडियस निकाल लेंगे, ये आर का फॉर्मूला है, कर्व के किसी भी पॉइंट का आप रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया आपका भाई साहब कि आप किसी भी कर्व का मैथमेटिकल इक्वेशन निकालिए और इक्वेशन से ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन करके इसमें पुट कर दीजिए, आपको रेडियस निकल गया, क्योंकि रेडियस ही टफ होता है निकालना अगर आपको नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स पूछे तो। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हम कैसे चलेंगे, मैंने जैसा बोला कि फॉर्चुनेटली ये पैराबोला है और आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली फेंकेंगे तो वो प्रोजेक्ट वो ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, वो पाथ क्या होगा, वो रास्ता क्या होगा, पैराबोला। तो इसको हम फिजिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ मैथ्स, मतलब हम मैथ का ये सारा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम फिजिक्स से भी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स से ही चलते हैं, देखिए तो आपको टॉप पर फोर्स निकालनी है, तो देखिए इसको कैसे यहां पर बना लेता हूं, ये ब्रिज है, ओवर ब्रिज है और इसी पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, आप इसको या तो मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लीजिए जो हमने बताया फॉर्मूला, या तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन से सॉल्व कर लीजिए। तो मान लीजिए कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है यू से, उसकी एंगल है सपोज थीटा, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ना, देखिए तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है स्मॉल डी, और ये हाइट दिया हुआ है एच, और आपको यहीं पर रेडियस मतलब कर्व का छोटा सा पार्ट क्या होता है सर्कल, और ये टॉप पर वेलोसिटी क्या होती है u cos थीटा, आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपको क्या निकालना है भैया, आपको ये रेडियस का फॉर्मूला निकालना है, ये रेडियस क्या होगा, इसको स्मॉल r दे दीजिए रेडियस। तो हम फिजिक्स से रेडियस निकालेंगे, एक बार फिर सुनिएगा, हम किससे रेडियस निकालेंगे, ये पैराबोला है, टॉप पॉइंट पर हम किससे रेडियस निकालेंगे, फिजिक्स से, एक मैथ से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे फिजिक्स से रेडियस निकालेंगे, तो यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, तो इस ओर फोर्स लग रहा है और मुड़ भी रहा है, बेंड भी हो रहा है, यानी यानी अर्थ कितना फोर्स लगाएगी mg, तो mg इक्वल्स क्या होगा mv स्क्वायर बाय r, और v कितना होगा u cos थीटा स्क्वायर बाय रेडियस r, स्मॉल r कर दीजिए, स्मॉल आर कितना आ जाएगा एम यू कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, ये हो गया रेडियस। मतलब टॉप पोजीशन पर अगर आप यू कॉस थीटा निकाल लेंगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे यू कॉस थीटा निकालें, अब कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें सेकंड मेथड, तो हाँ डी का वैल्यू लगा दीजिए, डी बढ़ा ना हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, आपने पढ़ा होगा d इक्वल्स u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, तो आप ऐसे लिख लीजिए u कॉस थीटा u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। अब इसको एक इसको फर्स्ट नाम दे दीजिए, सेकेंड हाइट इक्वल्स टू पता है यू स्क्वायर कितना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी,
ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आप देखिए हमको हमको क्या निकालनी है भैया, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो हम यहाँ नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमको u cos थीटा चाहिए एट द टॉप पोजीशन पर, है ना। तो u cos थीटा कैसे निकालेगा, एक मिनट। तो इस इक्वेशन में देखिए u sin थीटा क्या आएगा, इस सेकंड इक्वेशन से u sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2gh, इक्वेशन ए नाम दे दीजिए। u sin थीटा की वैल्यू इसमें रखिए तो आप, तो ये कितना आ जाएगा, g इंटू डी इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। आप देख लीजिए u cos थीटा पता चल गया आपको, तो u cos थीटा कितना होगा, g स्क्वायर d। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं हिंट दे देता हूं, ये ऐसा u cos थीटा g स्क्वायर d डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ये देख लीजिए आपका u cos थीटा हो गया। अब मैंने हिंट दिया, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इस मैथमेटिक्स को, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को फिजिक्स से भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन एक फॉर्चुनेशन होना चाहिए। फॉर्चुनेशन क्या 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 होना चाहिए, फॉर्चुनेशन की ये पैराबोला होना चाहिए। अगर ये कोई और कर्व होता तो हमको कैलकुलस का यूज करना पड़ता, जो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला दिया था, 1 प्लस dy / dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डबल डेरिवेटिव्स, है ना। तो वो आपका सेकंड मेथड्स हो गया। तो आप एग्जामिनेशन में बच सकते हैं। ये देखिए अगर एक्सट्रीम क्वेश्चंस आएंगे मेंस और नीट में तब तक तब ये जाएगा, ठीक है। देख लीजिए मतलब ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बनाएगा वो मेरे ख्याल से 100% उसका आईआईटी मेन में आ सकता है, क्योंकि ये डिजर्विंग क्वेश्चन है। मतलब ये शो करता है कि आप में कैलिबर है क्वेश्चंस को समझने का, क्वेश्चन को जवाब देने का। अब देखिए यू कॉस थीटा आपने निकाल लिया है, अभी हमने बताया था आपको कि किसी भी पार्ट को फेंकेंगे तो ये पैराबोला होगा, ये ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो अंडर ग्रेविटी, और यहां पर रेडियस निकालनी है तो ऊपर में वेलोसिटी कितना आया था, यू कॉस थीटा, और ये आर होगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू mg। यहां पर देखिए वेलोसिटी अर्थ के फोर्स के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी u cos थीटा अर्थ के फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो और ये मुड़ भी रहा है, यानी ये mg मोड़ने का काम करेगा, mg सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो u cos थीटा आपको पता चल चुका है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, m से m हटा दीजिए और u cos थीटा स्क्वायर बाय g, ये g होगा ना, तो g, और आप ठीक से देखिएगा आपको रेडियस निकालनी है, u cos थीटा की वैल्यू इतनी है, यानी कितनी है g स्क्वायर d, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ये अब देखिए ये रेडियस पता चल चुका है, यहां का रेडियस पता चल गया। देखिए मैंने किससे रेडियस निकाला, मैंने रेडियस निकाला फिजिक्स से, ये फिजिक्स है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन है। लेकिन एक बात है कि ये क्वेश्चन तभी तक हमको सपोर्ट करेगा जब तक ये पैराबोलिक कोई और, लेकिन ये भी बात सही है कि जो भी ब्रिजेज बनाए जाते हैं वो ऐसे पैराबोलिक होते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। तो चलिए ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी कर्व रहे तो आपके पास दोनों मैथमेटिक्स अवेलेबल है, वो फार्मूला भी आपके पास उपलब्ध है, आप उसकी भी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये ट्रिकी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए। तो अब आप टॉप फ्लोर टॉप जो ब्रिज जो टॉप्स सॉरी जो बस या ट्रक या कार जो टॉप पोजीशन है, जो मैक्सिमम हाइट है ब्रिज पर, उस पर कितना नॉर्मल लगेगा, तो ऊपर नॉर्मल ऊपर लगेगा। देखिए ब्रिज ये बस ऐसे जा रही है, तो बस ये इंक्लाइन की डाउन जा रही है, ये कर के अलोंग जा रही है, यानी कि अर्थ नीचे लग रहा है, यानी कि ये नीचे जा रही है, एमजी फोर्स बड़ा होगा, एम हो गया कार का मास जो जा रही है गाड़ी उसकी मास जी, और नॉर्मल इक्वल्स टू कितना होगा, कार की स्पीड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप देखिए इस रेडियस को मैंने फिजिक्स से निकाला है ना, अब इसमें रख दीजिए आपको नॉर्मल पता चल जाएगा ना, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा,
नॉर्मल आएगा, आप यहां से आर निकाल दीजिए, इसमें रख दीजिए, ओके। देख लीजिए आप इधर से भी निकाल सकते हैं। और देखिए एक और बात मैं बता रहा हूं कि आप ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन भी जानते हैं, आप उसमें भी रख सकते हैं। लेकिन ठीक है, ये मेथड ठीक है और ये आपका कम टाइम कंज्यूम करेगा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कम दे। देखिए ये सब क्वेश्चन वाइटल होंगे, आईआईटी एडवांस के लिए भी वाइटल होंगे, क्योंकि क्योंकि स्टूडेंट्स ये सोच ही नहीं सकता है कि ये फिजिक्स से आएगा, है ना। वो और जनरली क्या होते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला, 1 फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय सेकंड डेरिवेटिव, वो नहीं समझते बहुत सारे स्टूडेंट्स। ओके थैंक यू, देखो।